तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सरकार की स्कीम है जो 2-2 हज़ार रुपये करके किस्तों में आपको पैसा देती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, इससे पहले कुछ अलग रूल था। जो पीएम किसान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हम अपना फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर सकते थे, ठीक है। और कुछ लोगों का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका था, सब लोग क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरे थे तो फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया था और किस्त भी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर आपकी किस्त नहीं आ रही थी तो उसका सलूशन बताऊंगा, नया यहाँ पे मैं आपको फॉर्म भी बताऊंगा कैसे नया फॉर्म भरा जाएगा और कैसे आपको स्टेटस चेक करना है अपने यहाँ पे। अगर आपने ऑनलाइन कर दिया तभी कैसे स्टेटस चेक करेंगे कि आपकी कौन सी किस्त आई है, कौन सी पेंडिंग में है, क्यों पेंडिंग में, पूरा पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि वीडियो 3 से 4 मिनट की है, अगर पूरा पूरा वॉच कर लेते हो आप तो पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आए साइड में लगा के स्क्रीन बारी बारी से समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या है और कैसे आप मोबाइल से आवेदन कर पाओगे पीएम किसान निधि योजना के बारे में, ये भी पूरा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम साइड में लगा लेते हैं स्क्रीन और देखते हैं कैसे कैसे क्या है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मेरे साइड में स्क्रीन लगा दिया आप देख सकते हो, और यहाँ पे क्या करना होगा, क्रोम ब्राउज़र में चलना होगा, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा पीएम किसान, ठीक है। पीएम किसान लिख के आप यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट, ठीक है, डेस्कटॉप साइट आप में 3 डॉट दिखा रहा होगा उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में आपके यहाँ पे खुल जाएगा बहुत ही अच्छे से आपका, और यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करना है जो पीएम किसान गवर्नमेंट डॉट इन जो दिखा रहा है, जो यहाँ बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप ऐसे लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज चाहिए ले लीजिए, ये गूगल का बहुत अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। अब आइए आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, होम अबाउट द स्कीम रिपोर्ट्स गाइडलाइन पीएम केएमवाई लेटर फैक्स, और यहाँ पे फार्मर्स कॉर्नर, और यहाँ पे है कॉन्टेक्ट अस लॉगिन एफटीओ लॉगिन, ठीक है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम आइए यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे अपना फॉर्म वगैरह, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हो तो बेनिफिशियरी लिस्ट, ठीक है, यानी जितने मतलब यहाँ पे लोग पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन किए हैं उनके यहाँ से रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आए और कुछ जान लेते हैं, जैसे एफटीओ लॉगिन है इस पर क्लिक करके देखिए क्या दिखाता है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पीएम केएमवाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटर्स गाइडलाइन है और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिर लेटर और यहाँ पे सर्कल्स है, इस पर आए देखते हैं क्या है, तो इसमें भी कुछ अपडेट वगैरह दी गई हैं, यहाँ से भी आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। अब आइए और कुछ हम लोग देख लेते हैं, फार्मर्स कॉर्नर पे अगर आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, फिर एडिट आधार डिटेल्स है, बेनिफिशियरी स्टेटस है। तो अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हो तो बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करके, और सिंपल आपको कुछ करना नहीं होगा, अपना आधार नंबर दे के आप अपना स्टेटस पा सकते हो, कौन सी किस्त आपकी आई है, कौन सी रुकी है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो आप। अकाउंट नंबर, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर, इसमें से कुछ भी दे दोगे आप तो आसानी से यहाँ पे आपका स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब आइए एक बार हम बैक आते हैं, और बैक आके यहाँ पे फिर से हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको आधार डिटेल वगैरह भी सुधारना है अपने यहाँ पे, अगर पहले से ऑनलाइन कर रखा है तो भी आप ऐसे देखो सेकंड पे एडिट आधार डिटेल कर सकते हैं, फिर ठीक है। फिर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आइए हम पूरा प्रोसेस हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे कैसे फिर यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दिखा रहा है कि यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर देना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अपना आधार नंबर दे देते हैं, और यहाँ से मैंने अपना आधार नंबर दे दिया। अब यहाँ से इमेज डालना होगा, कैप्चा जो नहीं दो एक कोड दिखा रहा है या लिखा है इसी को कैप्चा कहते हैं, ये वाला कोड भरना होगा, जैसे 91TG93 ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा, ठीक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ओके कर दीजिए, परमिशन दे दीजिए,
और परमिशन देने के बाद। तो फ्रेंड जब वैसा ऑप्शन आए तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको यस कर देना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे हम ध्यान देते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे देख लीजिए पूरा फॉर्म यहाँ पे अच्छे से फिल यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो अब ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए फार्मर पर्सनल डिटेल्स मैंडेटरी और पैरामीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट है और ब्लैक है, ब्लैक के बाद विलेज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आए नीचे आते हैं, फिर आपको डिटेल्स समझा देते हैं। फ्रेंड अगर एक एक फिल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अच्छे से आप समझ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका हेल्प जरूर कर दूंगा फ्रेंड, ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ। पूरा यहाँ पर डिटेल्स आप देख लीजिए। तो इसके बाद फार्मर नेम है, फिर जेंडर है, फिर कैटेगरी है, यहाँ से ये चूज कर लीजिए। ठीक है, फार्मर टाइप है, और यहाँ पे आपको अपना आईडी यहाँ पे देना होगा, सेलेक्ट आईडी टाइप। तो आधार तो आपको आपने दे ही दिया है, फिर यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ है भी, आधार कार्ड हो गया। उसके बाद सबसे मेन यहाँ पे आपका ए है, आईएफएससी कोड और बैंक का नेम, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस और अकाउंट नंबर सबसे मेन है, ये अच्छे से भरिएगा फ्रेंड अपने पासबुक से देख के, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको फार्मर अदर डिटेल्स देना होगा, जो मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, और फादर मदर या हस्बैंड नेम आपको यहाँ से देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रेंड सिंगल या ज्वाइंट आप कैसे हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल ये भी यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नीचे देख लीजिए सर्वे खाता नंबर, ठीक है, और खसरा नंबर, ये सब आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। देखिए ऐड का ऑप्शन है, यहाँ से ऐड करके और यहाँ पे चेक मार करके आई सर्टिफाई दैट ऑल द गिवन डिटेल आर करेक्ट, प्लीज रीड सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, इसको आपको भरना होगा और यहाँ से चेक मार करके आपको बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक फॉर्म और आएगा, उसको चेक मार करके आपको अपना नाम वगैरह दे के उसको फिल कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल टोटल आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और इस तरह आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो फ्रेंड यही आज की वीडियो कैसी रही, प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।